नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिंड से एक सड़क हादसे का मामला सामने आया। दरअसल ईंट से भरे हुए ट्रैक्टर और एक पिकअप में जबरदस्त टक्कर हो गई और इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं, जहां एक गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। दरअसल लगन हल्दान से ये वापस लौट रहे थे सभी। उमरी क्षेत्र के अकोड़ा चिमनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये दुर्घटना, जहां इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, एक ट्रैक्टर और एक पिकअप के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर 6 लोग अब तक इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं और इसमें से भी एक गंभीर रूप से घायल है। उमरी के अकोड़ा चिमनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भिंड से सामने आई दुर्घटना की ये दुखद खबर, जिसमें ईंट से भरे हुए ट्रैक्टर और एक पिकअप के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 3 लोगों की मौत हो गई। उमरी क्षेत्र के अकोड़ा चिमनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भिंड से दुर्घटना की ये पूरी जानकारी सामने आई। हालांकि कारण क्या रहा, किस वजह से उस वक्त दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। रवि रमन से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। रवि, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कैसे हुआ यह हादसा? आशीष, मैं आपको बताऊं कि ये देर रात का मामला है और ये भीषण सड़क हादसा भिंड में पेश आया है, जहां पर 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। वहीं 2 लोगों को जब ग्वालियर रेफर किया गया था, जिनमें एक व्यक्ति ने रास्ते में दम तोड़ दिया, तो मृतकों की जो संख्या है वो 3 हो चुकी है। मृतकों के नाम है रिंकू उम्र 36 वर्ष, जो की मोलसी गढ़ी के रहने वाले हैं, और दूसरे जो मृतक है वो रणवीर पुत्र नरेश जाटव है, जो मछंड के रहने वाले। तीसरे जो मृतक है भगवान सिंह पुत्र 59 वर्षीय जो है वो मछंड के रहने वाले। तीनों मृतकों की ये हादसा जो आया है आशीष, वो लगुन फलदान कल भिंड में आए थे ये लोग मछंड से, तो पिकअप वाहन से जब ये लगुन चढ़ाकर जब वापस लौट रहे थे, तो उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो अकोड़ा चिमनी के पास गणेश ईंट भट्टा है, वहां पर ये एक बताया जा रहा है कि जो एक ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर था उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगाए जाने के बाद जो पिकअप वाहन था उसका संतुलन बिगड़ गया और सीधे आपस में दोनों की भीषण भिड़ंत हुई है। इस भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, वही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है 5 लोगों का, जिसमें एक गंभीर घायल को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया थी और जो भी जो हादसे के बाद जो ट्रैक्टर का जो चालक था वो मौके से फरार हो गया है, जिसको पुलिस जिसकी तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि नीट मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में जांच कर रही बिहार ईओयू की टीम, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल पटना के शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने सिकंदर यदुवेंद्र नाम के एक शख्स को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया, जिसे लेकर सियासी हलके के कई लोगों ने आरोप लगाया कि सिकंदर यजुवेंद्र का आरजेडी तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से गहरा नाता है। लिहाजा इस पूरे मामले में अब ईओयू तेजस्वी यादव के पीएस से भी पूछताछ कर सकती है। पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के लिए कमरा भी बुक करवाया था और मंत्री जी का कमरा बुक होना है ऐसा बोल करके कमरा बुक कराया गया था। क्योंकि जहां पर कमरा बुक कराया गया था वहां के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स में 3 दिन से अधिक कमरा बुक करने के लिए एक वैलिड रीजन यानी वैध कारण बताना होता है, रेफरेंस देना होता है। और अब इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंचेगी, आगे क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं, भी देखने का विषय होगा।
और दरअसल नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के साथ तेजस्वी यादव के पीएस का कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाए तो आरजेडी नेता मनोज सिन्हा ने पलटवार किया और कहा तेजस्वी के पीएस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री उनके सचिव प्रीतम वो व्यक्ति है जिनके रिश्तेदार है जो पूरे नीट के इन विसंगतियों के मास्टरमाइंड है। इस व्यक्ति ने जो मुख्य भूमिका में है आप अगर एफआईआर पढ़े उसके लिए गेस्ट हाउस का कमरा कौन बुक करवाता है? तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम। आप देख रहे हैं कहां जुड़ रहा है, तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम मास्टरमाइंड का कमरा बुक करवाते हैं, वो उनके रिश्तेदार भी है। मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति है जिनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग और चीजें मिली है आरजेडी की सरकार में। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस है उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर, ये तो लगातार हमारी मांग है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है और आने वाले वर्षों के जो 25-25 लाख है उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए खत्म होना चाहिए, एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी है। और नीट में धांधली की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस की अहम भूमिका है। धावा तो यह भी किया जा रहा है कि आरोपी सिकंदर यादवेंद्र लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। सिकंदर यादवेंदु, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद, बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं, और ये दावे सिर्फ हवा हवाई नहीं है बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHAI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे उस वक्त उनके साथ NHAI गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे।
उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में, फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था, हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा, तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनी विंदा कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, उन बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे, और हमने अधीक्षक अविंदा को भी बता दिया था जवाब साल अकाउंटेंट का इसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधली मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है, सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है उस पर एनएचआई का भी रिएक्शन आया है, जिसमें ये कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और नीट धांधली मामले में विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। एक दिन पहले युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की। उससे पहले नीट धांधली में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। और इस पूरे मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने भी कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता है और सरकार किसी भी सुधार के लिए तैयार है, ताकि इस तरह की गड़बड़झाला, इस तरह की गड़बड़ी पुनरावृत्ति इसकी ना हो। हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से, हम लोग लगातार संपर्क में हैं, प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दसवें इंटरनेशनल योग दिवस पर श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। योग करने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया भर में योग तेजी से बढ़ रहा है और लोगों में योग के लिए उत्साह है, योग की यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करने जम्मू कश्मीर पहुंचे और डल झील के
पास SKICC में उन्होंने योग किया, प्राणायाम किए और इस योग दिवस के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए योग के लाभ और उसके आने वाले समय में प्रासंगिकता को लेकर संबोधन भी किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके बाद प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी शुरुआत की और कहा कि सभी लोग अपने आहार में मोटा अनाज शामिल करें, ये हमारे पारंपरिक आहार हैं। आपको बता दें कि योग अभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभी योग अभ्यासों को बड़ी सहजता से साध लिया और योग अभ्यास के दौरान जो आसन, जो प्राणायाम यहां पर करवाए गए उन्हें सहजता के साथ संपन्न किया और ये जो तस्वीरें उसी वक्त कार्यक्रम किया और इस दौरान श्री अन्न संवर्धन अभियान भी शुरू किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में सीएम साय समेत मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी योग अभ्यास किया। रायपुर में सीएम विश्वदेव साय ने योग किया। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। कोरबा में डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ योग अभ्यास किया। तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अधिकारियों और लोगों के साथ जांजगीर चांपा में प्राचीन भीमा तालाब के पास योग अभ्यास किया। बिलासपुर में बहतराई स्टेडियम पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित सैकड़ों लोगों ने योग किया। बलौदाबाजार में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। शिव जी को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग की प्रशंसा की है। हमारी सरकार योग आयोग के माध्यम से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए लगातार काम करेगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित हुए हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका विद्यार्थी जीवन संवर जाएगा, आपकी एकाग्रता और याददाश्त बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपको इसका बड़ा फायदा होगा। बहुत ही शानदार आयोजन रहा भाई, बहुत ही शानदार। पूरे स्टेडियम में इतनी बारिश और इतनी परेशानियों के बाद भी सभी लोगों ने मिलकर, पतंजलि समिति के लोग, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे भाजपा के जिला के अध्यक्ष जी, समूचा प्रशासन, सब ने मिलकर बहुत बढ़िया व्यवस्था की। बहुत अच्छा योगाभ्यास का आज का दिन रहा। 21 जून वो दिन है जब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है और भारत के योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी योग दिवस पर योग अभ्यास किया। उन्होंने लोगों को हर रोज योग करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, इन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से
अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सके। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योग अभ्यास किया और इस योग अभ्यास के बाद लोगों से बातचीत भी उन्होंने की और मीडिया से भी बात की और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर योग करते नजर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका ये कहना है कि रोग भगाने के लिए, रोग से बचने के लिए योग ज़रूरी है, शरीर में लचीलापन फ्लैक्सीबिलिटी बनी रहे इसके लिए योग अभ्यास आवश्यक है। देखिए भारत की जो क्षमता है केवल आर्थिक और सामाजिक क्षमता नहीं लेकिन आध्यात्मिक क्षमता भी है और उस आध्यात्मिक क्षमता की श्रेणी में योग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये भारत की प्राचीनता, भारत की विशेषता को रेखांकित करती है और योग को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक नया उल्लेखनीय स्थान देना ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है। और उज्जैन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दशहरा मैदान पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शिप्रा नदी पर शिप्रा तैराक दल के बच्चों ने नदी में योग के जरिए एक पिरामिड बनाया तो वहीं पानी में ओम की आकृति और त्रिशूल की आकृति भी बनाई गई। तस्वीरें आपको 6 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मंडला, उज्जैन और ग्वालियर से। और योग गुरु बाबा रामदेव ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिद्वार में योग किया। हरिद्वार में पतंजलि पीठ में बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और योग आसन किए। बाबा रामदेव के साथ आचार्य बालकृष्ण ने भी योग अभ्यास किया। फॉर सेल्फ, योग फॉर सोसाइटी, और मैं एक शब्द अगला और जोड़ देता हूं, योग फॉर यूनिवर्स। युग के लिए योग है, युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा और योग से ही सारे रोगों का और समाज की सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो समाज में हिंसा, घृणा, नफरत, वैर वैमनस्य जो बिखराव है, योग से सारा समाज जुड़ेगा। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहूँ तो पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम जो नहीं कर पाया, लीवर, किडनी फेलियर, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों को, सोरायसिस जैसे रोगों को, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, उन डिजीज को हमने रिवर्स किया है योग से। तो योग से अब सब कुछ होगा, पूरी दुनिया स्वस्थ भी बनेगी और योग कर्म योग करेंगे, अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। जो योग करता है वो प्रमाद ही नहीं हो सकता, पुरुषार्थ ही होगा। तो जो योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन में स्वास्थ्य भी होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगी, समृद्धि भी होगी, सफलता और विजय के गीत गाएंगे जो योग पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ योग को दिनचर्या में सम्मिलित करें। और खंडवा से बड़ी खबर आ रही है, भूकंप के झटके खंडवा में महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 बताई जा रही है। दरअसल तीव्रता 3.6 मापी गई और 10 किलोमीटर गहराई पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता बहुत अधिक तो नहीं थी, 3.5 के आसपास ये तीव्रता मापी गई और 10 किलोमीटर गहराई में भूगर्भ में इसे इसका जो केंद्र है वो बताया जा रहा है। खंडवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खंडवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरें आगे भी जारी हैं।